तिवारी जी, चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा विभू, या बेबी, विभू मुझे बताओ कि तुम मंगल ग्रह पे जमीन खरीदने गए हो या क्या करने गए हो? मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें डील क्रैक करने के लिए? एक अच्छा पीस ऑफ लैंड देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ गुड पीस ऑफ लैंड, यू नो। अब बस कीजिए, इतना काहे अंग्रेजी पेल रहे हैं, बोर हो रहे हैं हम। हम बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना डॉल को फाइनल कीजिए। हाँ डॉल से तो हम बातें कर रहे हैं। आ, का बोले? भाभी जी, वो डील होता है, डील डील। सही पकड़े हैं। ओके बाय पगली, लव यू भाभी जी। हमने कहा लव यू पगली, बाय भाभी जी। लव यू टू। लव यू टू पगली। आपने हमारी बीवी को लव यू टू काहे कहा? मैंने अन्नू को कहा, आपकी बीवी को नहीं कहा। नहीं, आपने कहा लव यू टू पगली। मैंने अनु से कहा लव यू टू पगली। लेकिन आप तो अनु को, मतलब भाभी जी को कभी भी पगली नहीं कहते, आप तो हमेशा उन्हें अनु बेबी कहते हैं। तो क्या पगली शब्द पे आपका एक अधिकार है? आपका कोई बर्थ राइट है उस पे? एनीबडी कैन कॉल पगली। मैं अपनी बीवी को पगली बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू कॉल हर पगली 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 पगली। ज्यादा पगली पगली मत कहिए, दिमाग पगला जाएगा, समझ गए? बचकानी बातें छोड़िए, जरा ये देखिए कि अपनी बीवियों से पीछा कैसे छुड़ाएं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। घेरे घेरे साहिबा प्यार में सौदा। प्लीज डोंट सिंग। डोंट कॉल मी भैया, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस। मैं दुनिया में अकेला हूँ। All right, Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. Where are you from? I'm from Bangkok, Goa. 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 And where are you from? Main Kanpur ki hoon. Oh. Are you unmarried? Aapko wari? Yeah. Aur nabalig bhi. Oh, really? Meri kuwarepan mein aapko itni dilchaspi kyun hai? Actually, I was just thinking कि कौन होगा वो पति जो इतनी इतनी महान, इतनी ग्रेट लेडी का हस्बैंड होगा। Of course, I do have a husband and the lucky man is Vibhuti Narayan Mishra. लेकिन I think कि कहीं आपने शादी में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्यों? क्या है कि जिस आदमी के नाम में भभूत है तो वो तो आए दिन आपको भभूत ही पकड़ाता होगा। I mean, he must be an unemployed person, Nalla, I think. How do you know my husband is Nalla? I am very interested in astrology. ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा। Really? Yeah. थोड़ा और बताइए ना। आपका पति आपसे को बार बार सताता होगा, आपकी केयर नहीं करता होगा, इसलिए इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप उसे डिवोर्स ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर लाइफ, यू नो। मिस्टर एंथनी गोंसाल्विस, यू सेड समथिंग। या व्हाट? गेट लॉस्ट, जाइए यहां से और दरवाजा बंद कर दीजिए। गॉड ब्लेस माय बेबी चाइल्ड। बहुत अच्छा है। सुनो भैया, ये हमरा बैग ना उहां रख दो। मोहतरमा, अगर आप हमें भैया ना बुला के अकबर फरक्काबाजी बुलाएंगे, यानी आप हमें बुलाइए अकबर बस। अब ऐसे एक बात बोले, हमको तुम्हारा नाम ना बहुत ही मजेदार लगा, सच्ची। अखबार, तुमको पता है हमने लड्डू की भैया को ना सुबह प्रेशर ही ना ही आता है जब तक वो अखबार ना ही पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुन के हमको वो याद आ रहा है, अखबार। मैं कैसे भूल गया कि अभी तक ये बोलो में। क्या बोले? हमने कहा मोहतरमा वो अखबार नहीं, अकबर। अकबर, अकबर, सही पकड़े हैं। हमने क्या बोल दिया? हमने तो कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, अभी आप कहाँ बोले वो जरा फिर से बोलिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो जो बोले बोल दिया हमने, हम तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी तुम सही पकड़े हैं।
देखा। हम बोले सही पकड़े बोले। तो कैसे बोले? ये तो हम बोलते हैं, तुमको कैसे पता ही सब? अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये पूरा शहर बच्चा बच्चे के मुंह पे है। सही पकड़ा है, सही पकड़ा। अरे वर्ल्ड फेमस है ये तो। हाय दिया, हमको तो अंदाजा ही ना आया था कि हमरा ये सही पकड़े हैं, इतना फॉरमोस्ट है। ओह इट्स फेमस। आ सही पकड़े हैं। क्या बोले अभी आप? हमने कहा मोहतरमा इट्स फेमस। ये बोले आप? हाय दिया, हमको तो दो मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यहाँ भरभूती जी का आवाज आया हमको। ये भरभूती जी कौन है? इनसे आपका नैन मटक्का होता है या नैना फाइटिंग होती है? आप क्या बोले? हमने कहा ये भरभूती जो है आपके, ये क्या लगते क्या है आप? भरभूती जी वो तो हमारे पड़ोसी है ना। से पड़ोसी है या कुछ और भी है? नहीं केवल पड़ोसी हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना अनीता जी, वो हमारे बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। और विभूति जी के साथ आपके कुछ और मुरासिम भी हैं, यानी कुछ मोहब्बत शहब्बत भी है इससे कि नहीं? आप किसी चीज की जरूरत है तो बुला लीजिएगा, अपने आस पास ही भटकता हुआ पाएंगे। गुड डे। नाई गुड्डी गुड्डी से नाई खेलते हम। हम एक चीज तो भूल ही गए थे, इस होटल का एक उसूल है कि जब हम आपको गुड्डे बोलेंगे तो आप हमें आई लव यू बोलेंगी। हाय दिया, हम कहे ये आई लव यू बाय लव यू हम नहीं बोलते हैं। देखिए ऐसा है मोहतरमा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगे ना तो आपको इस होटल में सर्विस नहीं मिलेगी। सुबह आप चाय मंगाएंगे तो रात को आएंगे। हाय दिया, हमको तो चाय बहुत ही पसंद है। ठीक बा बोल देंगे। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। बार बार ना ही बोलेंगे हम। लाची हो गया था। क्या बोले? कुछ नहीं, बाहर ही मिलूंगा आपको, आवाज लगा लीजिएगा। गुड डे। आई लव यू। हाय दिया, हमरा चाय भिजवा देना। एक और लास्ट टाइम ट्राई करें। लगाइए आप तिवारी जी को फोन। ठीक बा। ये देखिए कॉल ही नहीं लग रहा है। आप भी लगाइए ना। ओके लेट्स ट्राई। क्या कर कह रहे दोनों मिलके? हाँ अब तो हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हमको बहुत वेकेशन जैसा फील हो रहा है। घबरा रहा है तो सफोकेशन होता है वो, सफोकेशन। ऐसे ही पकड़े हैं सच्ची, हमको ना बहुत बहुत घुटन हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स अंगूरी जी, आप खामखा घबरा रही है। देखिए इन दोनों को फंसाना इतना आसान नहीं है, दोनों बड़ी ऊंची चीज हैं। आप टेंशन मत लीजिए, विल कॉल बैक। इन फैक्ट यू शुड बी प्राउड ऑफ आवर हस्बैंड्स। वैसे आपको एक तो बात बोले, हमको ना सारे लोग बाहर के लोग यही बोलते हैं कि लड्डू के भैया दिखने में बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन वो बहुत काइयां हैं। अबे साले तुम दोनों मिलकर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। हाँ अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या चोरी की मैंने तुम लोग की? उल्टा तुम दोनों की भलाई करने को तुम लोग को मैं यहाँ लाया था। अब सालों मुझे क्या पता था तुम्हारे किस्मत में हथौड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। देखिए यार वो सब छोड़, इस बारे में सोच। किस बारे में? हिम्मत मर्दा मदद खुदा बोल के चढ़ गया जैसे तैसे, झाके नीचे देखा डर के बोला या खुदा उतरूंगा कैसे। ये मतलब क्या हुआ इस बात का? यार बड़ा सिंपल सा मतलब है कि शेखी में आ तो गए यहाँ पे, लेकिन जाएंगे कैसे यहाँ से? तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। लेकिन शॉर्टकट रास्ता होना चाहिए, रास्ता शॉर्टकट होना चाहिए बस। चाहे जितना मर्जी शॉर्टकट लॉन्ग कट सोच लो, लेकिन वो जो औरत है ना मैडम नूरी, उसके सामने कोई कट वट नहीं चलने वाला है, समझे? तुम्हारी कहानी हम जैसी है, 10 साल पुरानी है। इस होटल में एक हैंडसम सा नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, लेकिन यहाँ के कुछ गंदे लोगों ने उस हैंडसम नौजवान को जबरदस्ती जुआ खेलने के लिए बिठा दिया। फिर क्या, वो नूरी मैडम जो है ना, उसने उस हैंडसम और मासूम नौजवान को अपने मकड़ जाल में ऐसा फंसाया
कि उसकी पूरी जिंदगी ही उसने जुए में जीत ली। लेकिन वो हैंडसम नौजवान है कौन भाई? वो हैंडसम नौजवान वो हैंडसम नौजवान मैं हूं। I'm sorry, I'm really, really sorry. आपकी जो कहानी है ना, हम बिलीव कर रहे हैं उस कहानी पे। लेकिन आप जो बार बार हैंडसम नौजवान जो बोल रहे हैं ना, वो हजम नहीं हो रहा मुझसे। आप आज भी बंदर नचाने वाले मदारी लगते हैं। माफ कीजिएगा। Shut up! Just shut up! यही पर तुम लोग सड़ोगे, सड़ते रहोगे यहां पर, सड़ते रहोगे। और अगर यहां से भागने की कोशिश की या निकलने की कोशिश की ना, तो शकल शकल जरा इन दोनों चूजों को बताओ ना कि जो यहां से भागने की या निकलने की कोशिश करता है तो उसका तुम क्या हाल करते हो। मम्मी हेलो टॉमी जी। नो 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 टॉमी, आई एम एंथनी एंथनी। सही पकड़े हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आपका शादी हो गया का? यस आई एम मैरिड, शादी हो गया। क्या बात कर रहे हैं, किस चुड़ैल से किए? ये एंथनी की शादी को लेकर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? जवाब दीजिए ना हमको। एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच इंटरेस्ट, हमारी शादी में इतना दिलचस्पी क्यों ले रही है आप? कहा है ना कि हमारी शादी में हमको कोनो दिलचस्पी नहीं बचा। क्या ऊंचा सुनते हो का? वही तो बोल रहे हैं, हमारी शादी में ना आप कोनो मजा ही नहीं बचा है। आई मीन व्हाई, आपके पति में कोई कमी है क्या? एक कमी हो तो बताए ना। आई मीन यू वांट टू से कि आपके कमी में जो मतलब पति में को बुराइयां ही बुराइयां हैं? हाँ, वो तो ना बुराइयों का शॉपिंग मॉल है। हे भगवान, इस पगली के मुंह से ऐसे शब्द सुनने से पहले हमारे कान फट क्यों नहीं गए? अरे टॉमी, उधर मुंह करके काहे खड़े हैं, हमरी तरफ देखिए ना, हमसे बतियाइए ना। यस यस कहिए कहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आगे ऊपर वाला ही मालिक है। हाँ देखो ना कहानी घर घर का, हमरी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही बियरिंग हो गई है। बियरिंग? आई थिंक आप बोरिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमारे हस्बैंड इज अ वेरी नीच पर्सन। आई मीन आप नाइस नाइस कहना चाहती हैं। गलत पकड़े हैं, हम उनको नीच ही बोल रहे हैं। अल्लू के भैया हमको माफ कर देना हाँ, लेकिन ई टेम ये बहुत ही जरूरी है। एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए आपको अपने पति के बारे में, आदमी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। काहे नहीं बोलेंगे? क्या है कि हम एक गैर मर्द हैं और गैर मर्द के सामने अपने पति की बुराई करना एक नेक औरत को मतलब शोभा नहीं देता है। डजंट सूट सर। हाय दिया, तुम कहाँ गैर हो? तुम तो हमको बहुत ही अपने अपने से लगते हो। ये क्या कह रही है मैडम? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं टॉमी। कभी रोमांस किए हो का अकेले में? दिया लड्डू के भैया, आई लव यू। हाय, ये कहाँ से आ गई? तुम्हारा नाम नटवर, नटवर राइट?
मोटरमा आप कुछ गलत फहमी के शिकार हो रही हैं। इस खाकसार का नाम यानी कि इसमें शरीफ में अकबर फुरक्काबादी। हाँ, सो अकबर नाम रखने के बाद तुमने ऐसा क्या उखाड़ा, मतलब तुमने कितने लाल किले बनवाए? ऐसा मोटरमा के देखे जो नाम का असर है पर्सनैलिटी में नहीं होता। हमारे एक दोस्त, उनका नाम हिमालय है, हमने कभी उनके पर बर्फ जमी हुई देखी नहीं। Nice, you're right actually, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम भी विभूति है, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी भी कोई पूजा हवन कभी भी अटेंड करते हुए नहीं देखा। तुम्हारी पूजा में दिन रहता है? क्या कहा? हमने कहा अगर वो हवन अटेंड नहीं करते हैं तो अपने बीवी के अपने जोरू के बहुत बड़े भक्त होंगे। भक्त तो है लेकिन बगुला भक्त है, उसके भक्ति में झोल है। वो अपनी एक आंख बंद और एक आंख खुली रख के मेरी भक्ति करता है। अब मैं खाविन की बुराई हमारे सामने क्यों कर रही है? वेल, न जाने क्यों अजनबी, लेकिन तुम जाने पहचाने लगते हो। हम जरा क्लास लगाते हैं। हेलन का लल्ला वल्ला वल्ला, देखती हूँ कैसे बचाता है अपना पल्ला। Oh God, it's not coming, it's come in, madam. सही पकड़े हैं। टॉमी, सिंबा। Oh God, it's not Tommy, I'm Anthony Gonzalez. सही पकड़े हैं। Anthony गौशाला। Oh God, it's not गौशाला, madam, Gonzalez. ये तुम्हारा नाम ना बहुत बहुत मुश्किल है, हमसे तो लिया ही ना ही जाता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि तुमको कोनो और नाम से पुकारे। तुम किस नाम से पुकारना चाहती हैं आप मैडम? अभी बताते हैं। डार्लिंग। ये क्या कहना चाह रही हैं आप मैडम? क्या है, क्या हुआ, कोनो गाली दिए हैं का? डार्लिंग ही तो बोले हैं। लेकिन आप भूल रही हैं मैडम, आप शादीशुदा हैं, यू आर मैरिड लेडी। हाय दिया, तो का शादीशुदा औरतें डार्लिंग ना ही बोलती का? Come in. हमने कहा अंदर आ जाए मोहतरमा। और कितना लाओगे? नहीं, हमने कहा कि वो ऐसा है कि बताइए हम क्या क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। आपको क्या क्या खिदमत करना आता है? यार ये अनु एक वेटर से किस अंदाज में बात कर रही है, बोलिए ना, कैसे कैसे सर्विसेज देते हैं आप? देखिए मोटरमा, जो जो होटल में सर्विसेज हैं सारी दे देंगे आपको बस। तो रोमांस की सर्विस देंगे? रोमांस की सर्विस? बच्चे हो, रोमांस का मतलब नहीं समझते? समझते हैं, जवानी में हमने बहुत रोमांस किया। नाइस। और लेकिन होटल में ऐसी कोई सर्विस नहीं है, बाकी होटल वाले तो बहुत खिलाफ हैं इस तरह की सर्विस हो गया, कह रहे रोमांस की सर्विस नहीं होनी चाहिए होटल में, मना करते हैं। हे भगवान, ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मेरी बीवी मेरे होते हुए एक वेटर से रोमांस की सर्विस मांग रही है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। नो, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बोलो ना, रोमांस की सर्विस। देखिए मोटर में ऐसा है, आपके ख्वाबिंद होंगे उनके साथ आप जितना चाहे उतना रोमांस कीजिए, कूट कूट कर रोमांस कीजिए। पत्थर के इंसान से और किया भी क्या जा सकता है? पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोहम्मद हूँ, उसने मुझे छू के नहीं देखा। उफ, ये भी टैलेंट है तुम्हारे अंदर। आई लव शायरी। अब शायरी के अलावा छोड़ा क्या तुमने, सब तो खत्म कर दिया। क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, हम क्या बोलेंगे, हमने तो कुछ नहीं बोला। आओ ना फिर रोमांस करते हैं। मोटरमा ये गलत बात है, आपके
आपके खादिम को मालूम चलेगा कि आप होटल कमरे में एक वेटर के साथ, वो भी बुढ़े वेटर के साथ रोमांस कर रही थी, तो कैसा लगेगा उनको? और मेरे पति को कैसे लग रहा है, कैसे फील हो रहा है इस बात से, तुम्हें क्या लेना देना? इंसानियत किसी चिड़िया का नाम होता है? अगर तुमने इंसानियत का राग और आला पाना तो मैं बाहर जाकर सबसे कह दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा। कैसी बातें कर रही है, ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो आओ रोमांस करें। देखिए मोटरमा, ये गुनाह होता है, ये पाप होता है, मैं नहीं कर सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, ये इंसान मुझे अकेला देखकर मेरा भरपूर फायदा उठाना चाह रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप, हमने भरपूर फायदा अपनी बेगम का कोई उठाया नहीं, अब बात कर रही है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, हम करेंगे रोमांस आपके साथ। How dare you take my name? Because I'm your goddamn husband. और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम मेरे पति हो, क्यों? क्योंकि एक पति के होते हुए तुम एक बुढ़े वेटर के साथ इस होटल के कमरे में रोमांस कर रही थी। ओ प्लीज, ऐसी बात करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो। पता है जब मैंने होटल में पहली बार कदम रखा ना, तब भी तुम्हारे घटिया परफ्यूम की बदबू लेकर मैं समझ गई थी कि वो तुम ही हो। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरा डाउट कंफर्मेशन में बदलता गया। क्योंकि वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि तुम बंदर को लाख MD बनाओ, लेकिन 24 घंटे में एक बार तो वो गुलाटी मार ही लेता है। वैसे ही तुम जैसे झूठे और नीच और मक्कार इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती है? झूठा? मैं झूठा हूँ? झूठे नहीं हो तो और क्या हो? गुजरात में क्यों आए थे तुम? हाँ, जमीन देखने के लिए, लैंड देखने के लिए। कहाँ है जमीन? हाँ, मुझे नहीं दिख रही कोई जमीन। खामोश। यू नो व्हाट, विभु, मेरे लॉकर में से पैसे गायब है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस बार तुमने ऐसा क्या कांड किया है, वरना इस होटल के इतिहास के साथ एक और किस्सा जुड़ जाएगा। कैसा किस्सा जुड़ जाएगा, कैसा? मैं बताती हूँ ना, देखो ये वही होटल है जहाँ पर एक बीवी ने अपने हस्बैंड का गला दबाकर उसकी जान ले ली। ये अच्छा है। तो ये दोनों तुम्हारे हस्बैंड हैं? जी। और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं? तो का? हमरे पतियों का अचार डालोगी का? अंगूरी जी, शांत। नहीं नहीं, हम टोल टैक्स नहीं करेंगे। रिलैक्स होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं कि हमरे पतियों को दबोच कर बैठी है, देखिए अनीता जी। एक्सक्यूज मी, मैं आपके हस्बैंड को बुलाने नहीं गई थी, ये लोग खुद यहाँ चल कर आए थे। देखिए, हम बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी लेडी हैं, हम दोनों लेडीज हैं, इट्स अ स्टिकी सिचुएशन, अगर आप कंसिडर करें, अगर आप इन्हें छोड़ दें तो इट विल बी रियली काइंड। वेल, अगर आप दोनों अपने पतियों को इतना ज़्यादा मिस कर रही है तो आप लोग भी यही काम कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, आपने हमें समझ के क्या रखा है? आई एम अ बिजनेस वूमन। माना कि मेरे पति नल्ले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो भी दिल में आए आपको बोले। हाँ, और कहा है ना कि हमरे पति का तो दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोका है। उई को साफ बोलते हैं। ये सब बोलने की जरूरत है क्या यहाँ पर? तुम्हारा कच्चे बनियान का बिजनेस है? ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। इसमें हंसने वाली क्या बात है, मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, आपकी तरह दो नंबरी का पैसा नहीं कमाते वो। यार तिवारी जी, हमारी बीवियां खाम खाम पंगा ले रही हैं। तो क्या जीवन भर यही रहने का इरादा है? अरे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे तिवारी जी। क्या रास्ता निकाल लेंगे, इस औरत की मंत्री से लेकर संतरी तक जान पहचान है, इसको इसी के हथियार से मारना पड़ेगा, समझा कीजिए। डोंट वरी अनु, इसी के हथियार से मारेगी इसको। आई नो शी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल। वेल, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम लोग इन्हें छुड़ा के ले जाना चाहते हो तो तुम दोनों को मेरे साथ एक एक हाथ जुआ खेलना पड़ेगा, और अगर तुम लोग जीत गए तो तुम इन दोनों इस मेंढक को भी ले जा सकती हो। और अगर हम हार गए तो? वेल, इन दैट केस फिर तुम दोनों को भी मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। आइडिया हमें मंजूर है। अरे अनु नहीं, ये जालसाज औरत है, फंसा देगी। आई नो वेरी वेल, शी इज अ चीट। पत्ते इनके इशारों पर नाचते हैं, समझा कीजिए भाभी जी। आप दोनों चुप रहिए,
एक तो मुसीबतों को गले लगाने की आदत हो गई है आप दोनों की। हम जुआ खेलेंगे। हाँ? हम जुआ खेलेंगे। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज ये रिस्क मत लीजिए आप। तो क्या करें, आप दोनों को सड़ने गलने के लिए यहीं पे छोड़ दें? देखिए भाभी जी, की क्या है कि हम ठहरे मर्द। कोई यहाँ के मर्द हैं आप? हाँ, सारा जिंदगी हमको बोलते रहे बड़ा मर्द बड़ा मर्द। हाँ, हम तो बोलेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बॉडम आप हैं। भाभी जी प्लीज काम डाउन। आप तो चुप ही कीजिए भरभूति जी। ये जो सारा कांड हुआ है ना, ये आप ही की वजह से हुआ है। भाभी जी यू टू। ओ जूलियस सीजर, इतना बनने की जरूरत नहीं। अंगूरी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब कुछ आप दोनों की वजह से ही हुआ है। और ये आपके दोस्त जो चुपचाप खड़े हैं भीगी बिल्ली की तरह। मेरा ना प्रेम जी दिल कर रहा है कि मैं आपको, लेकिन नहीं, आपकी कुटाई मैं आप ही की बीवी से करवाऊंगी। बेबी सॉरी बेबीज आई मीन बेबी एंड भाभी जी, एक्चुअली हमारी गलती है। हम मानते हैं कि हमारी वजह से हम इस लफड़े में फंसे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग भी हमारी वजह से इस लफड़े में फंसे हैं। तो प्लीज गेट। बिल्कुल भभूति जी बहुत सही कह रहे हैं। भले ही आप दोनों हमें 100 जूते मार लीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ किसी की गुलामी नहीं करने देंगे, तो नहीं करने देंगे। हेलो मैडम, हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारा वेलकम किस खुशी में हो रहा है? मैडम आप भी हम लोगों में शामिल होने वाली है ना? ये कौन बोला आपको? अभी अभी सेम टू सेम आप ही ने तो बताया है। आपका दिमाग खराब हो गया? हमने कब कहा कि हम आपके स्टाफ में शामिल होने वाले हैं? मैडम आप ही ने तो नूरी मैडम को चैलेंज किया है ना कि आप उनके साथ दो दो हाथ जुआ खेलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनसे जीत पाएंगे, हार जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।